सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011 का पार्ट टू मैं ले आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्रेस द बेल आइकन करना ना भूले ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये पार्ट टू है दोस्तों। पार्ट वन अगर आपने इसका नहीं देखा तो लिंक में दे रखे डिस्क्रिप्शन में जाके वो देखो, तब जाके आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। सबसे पहले लिंक में दे रखे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, फिर ये वीडियो देखना तो आपको ठीक से समझ आएगी। तो बहुत सारा उसमें मैंने बता दिया, बाकी के मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आज को और से फेंक के साइड में कोई सा भी एरो करके मूव्स लगा सकते हो। अब जैसे कि इसका नाम है रो 2011, इसमें काउंटर मूव या फेल या स्मैक सब कैसे फेल करते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही बटन इसमें गिवन है, R2। इससे आप सब कुछ देखो, मारते टाइम R2 भी आता है। अगर उसी टाइमिंग पे आप R2 प्रेस करोगे तो वो मूव्स फेल हो जाएगा उसका। तो कुछ भी करना हो तो R2 है इसका ब्लॉक मूव। कुछ भी फेल करना हो या कुछ भी काउंटर मूव देना है, टाइमिंग पे आपको R2 प्रेस करना है एक बार, तो आप इस मूव को रिपीट कर पाओगे उनकी तरह। अब पिन का मैं बता दूं, पिन में इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे लाइन दिख रही होगी आपको। पिन का मैं थोड़ा दिक्कत आएगी दोस्तों बताने में, तो क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर ये नहीं है प्लेयर्स में भी। अब इसको ऊपर उठा के कोई सा भी मूव्स लगा सकते हो। अब बात करते हैं नीचे टेबल चेयर कैसे लाते हैं। सबसे पहले आपको एक से बाहर हो जाना है। और ठीक यहाँ पे जो ए बना हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे आके सेंटर में एक्स प्रेस करना है आपको, तो चेयर आ जाएगी। चेयर लेके आपको अंदर आ जाना है और पास में जाओगे और चेयर को चौकड़ी से मारते हैं। इसमें देखो R2 वहां पे भी आ रहा है। अब यहाँ आपके सिर के पास जाके आप इसके पास ओ दबा सकते हो। देखो ओ आ रहा है, ओ दबा सकते हो। ओ दबाया, उसके बाद इससे कुर्सी लगा दी और फिर आप चौकड़ी दबा सकते हो। दोस्तों इसमें स्मैक लाने का एक और अच्छा तरीका है, आप अगर एक्शन करोगे तो आपके देखना वो पावर इंक्रीज होगी। देखो वो देखो सिग्नेचर आ गया, त्रिकोण दबा दिया। पुलिस में आ गई, पुलिस में आ गई, इसको ऊपर करा, उठाया, त्रिकोण दबाया। गियोप लगाने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, गियोप लगाने के लिए आपको दोस्तों जो ये बटन है इसको अंदर साइड प्रेस करना है, अंदर साइड। ये देखो गियोप लग गया, फिर जिस तरह ये बोल रहा है उस तरह आपको उसको करना है। अभी मैं गियोप नहीं लगाऊं तो गियोप हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया ऐसे गियोप लगाते हैं, इसको ऐसे करना। अभी मैं छोड़ देता हूँ। अब बात करते हैं नीचे की स्ट्रिंग, यहाँ दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं। जी हाँ, ये भी निकाल सकते हो आप, इस तरह मूव करके एक्स दबाना है। देखो दोस्तों सेम याली भी निकाल सकते हो आप, इस तरह पैरों करा प्रेस एक्स। अब आप उसको ला सकते हो, वो से फेंका बाहर। अच्छा अब यहाँ खड़ा जोर से आप दबा के ये देखो एरो से आप चौकड़ी भी दबा सकते हो इसमें। इसके ऊपर गए आप, अब इसको खिसकाते कैसे दोस्तों। अभी जैसे मैं लेके आया इसको, ये से कैसे करता है तो मैं बताता हूँ। ये इस तरह से कैसे कर रहा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको एरो से पकड़ा, R2 दबा के अपन इसको किधर भी ले जा सकते हैं और इस तरफ फेंक दो, फिर
ये देखो दोस्त, ये मूव जहाँ पे आपको पास में ला के लगाना है, फिर आप जैसे ऊपर नीचे करोगे तो ऑटोमेटिक लगेगा। R1 दबा के आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों स्मैक आ गई, अब स्मैक का मैं आपको बताने वाला हूँ। स्मैक आ गई, अब इसको इसके ऊपर फेंका, आप यहाँ भी मूव्स लगा सकते हो। ये देखो, दोस्तों एक गिनती गिना रहा है इसलिए इसको मारना जरूरी है। वाओ, केन यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों पूरा रियल गेम है ये, इस तरह मदद करने के लिए प्लेयर आते हैं इसमें। अब किसकी मदद करना है ये देखते हैं। वैसे तो अंडरटेकर का भाई है तो मेरी मदद करने आया है। थोड़ी देर बाद दोस्तों ये एक स्मैक मार के चला जाता है। देखो दोस्तों उसको मानना है क्योंकि मेरा भाई है ये अंडरटेकर और केन, पर ये अपने को वीडियो नहीं बनाने देगा, ठीक से डिस्टर्ब करेगा ये। दोस्तों आप इसमें ऊपर भी चढ़ सकते हो, साइड में ऊपर चढ़ते हैं। इसके कैसे चढ़ना है आपको, जैसे आप दौड़ रहे हो बस उसके ऊपर चढ़ जाना आपको उस तरह एरो करके, तो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। चौकड़ी से आपको कूद जाना है। तो बहुत बहुत शानदार गेम, आप इसको भी ले सकते हो दोस्तों एक की वजह से चेयर को, ये देखो स्टेयर्स को भी आप ले सकते हो, अंदर ला सकते हो, एक्स प्रेस का चौकड़ी से मार सकते हो। तो दोस्तों बहुत शानदार रियल गेम है एकदम, आप ट्राई करना इसको। स्मैकडाउन खेलना भूल जाओगे उसके बाद आप भी। दोस्तों इस चेयर की वजह से आप अपनी स्मैक जो जल्दी इंक्रीज कर सकते हो, इसकी वजह से देखो मैं स्मैक कितनी जल्दी इंक्रीज हो गई, आप इसकी वजह से इंक्रीज कर सकते हो, फिर स्मैक मार सकते हो। अगर आपने ज्यादा मार खाई तो आपकी पावर डिक्रीज होती जाएगी। देखो अभी रैंडी ऑर्टन की पावर पूरी डिक्रीज हो गई है, इसके लिए आपको देख के खेलना है। अगर पावर डिक्रीज होगी तो आपकी स्मैक का ऑप्शन आएगा ही नहीं दोस्तों। अभी रैंडी ऑर्टन का स्मैक का आने का ऑप्शन बहुत मुश्किल होगा, उसको बहुत देर तक मारना पड़ेगा, उसकी हालत खराब हो गई और उससे आप पिन गिना सकते हो। और पिन छुटाने कैसे दोस्तों, ये जो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, यहाँ पे आपको एक्स प्रेस करके क्लिक करना रहता है। वो थोड़ा मुश्किल है बताना क्योंकि मेरे पास सेकेंड प्लेयर अभी है नहीं, कंप्यूटर में आप उसको करके बताऊंगा दोस्तों मैं कि पिन कैसे हटाते हैं या कुछ भी, जो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल लग नहीं रहा है। आपको क्या करना है, जो एक्स दबा के उसके बीच ही छोड़ना है आपको। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी, कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा नेक्स्ट गेम देखना है दोस्तों, इसी पे वीडियो लाऊं या स्मैकडाउन पहले वाला हियर्स कम द पेन पे वापस वीडियो लाऊं, या इस पे वीडियो लाऊं, या क्रिकेट या फुटबॉल या जीटे सिलेंडर्स, जो भी आपके कमेंट पे निर्भर करता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाऊं, पर यह वाला गेम बहुत शानदार, अभी एक दो वीडियो और मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, वीडियो कभी भी आ जाती है मेरी, हर दिन वीडियो आ रही है वैसे। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप देख रहे हैं अभी गेमिंग PS2।